प्रकरण संख्या 5/19 जिसमें 8.48 किलोग्राम सोने के आभूषण से बैग भरा जो चोरी हुआ था उसमें एक आरोपी को और गिरफ्तार किया गया है। इससे पूर्व 5 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ये जो आरोपी है इसका नाम दलपत सिंह उर्फ राहुल सिंह सोलंकी है। पिताजी का नाम वाघ सिंह, जाति राजपूत, उम्र 22 साल, निवासी देलवाड़ा, पुलिस थाना आबू माउंट, जिला सिरोही। ये वारदात में शामिल था। जो वारदात के वक्त ये ट्रेन बांद्रा उदयपुर ट्रेन के अंदर सूरत से बैठा था। जो वारदात करके निम्बाड़ा से उदयपुर गया, उदयपुर से फिर वापस आ करके ये अभी फरार चल रहा था। फरारी के दौरान हमें सूचना मिली थी कि ये महाराष्ट्र में है। फिर हम यहाँ से डिप्टी साहब, सीआई साहब, मैं और कॉन्स्टेबल मान सिंह जो गए वहाँ पर तलाश किया तो वहाँ से निकल गया था। श्रीरामपुर में जाके पता किया तो वहाँ से एक दिन पहले ही निकल गया। फिर इसके पीछे पीछे हम आए और आबू रोड में आकर के इसको पकड़ा। पकड़ने के बाद में इससे पूछताछ की तो इसने वारदात में शामिल होना बताया। शामिल होने के बाद फिर इसको गिरफ्तार किया, जिसको आज माननीय न्यायालय में पेश किया गया। 30 तारीख तक इसको पीसी में रखा गया है। इसका क्या रोल था वारदात में? इसका रोल ये था कि जो मेन अभियुक्त दीपक जोशी है उसने इसको मुंबई से फ़ोन करके कहा था कि भाई तू मेरे को सूरत के अंदर मिलना, ट्रेन के S2 कोच में चढ़ना। फिर ये S2 में गया, फिर दीपक जोशी ने इसको S4 में भेजा। इसने पूरी निगरानी रखी उस पर माल पे, और निम्बाहेड़ा पे जब ट्रेन रुकी, रुकने के बाद में फिर ये दीपक जोशी, सुरेश बिश्नोई और इसने मिल करके बैग उठा करके और ये भगे वहाँ से। भगने के बाद एक फॉर्चूनर गाड़ी थी उसमें बैठे। बैठने के बाद ये उदयपुर गए। उदयपुर से जा करके फिर ये अलग अलग हो गए सभी। अभी तक जो माल की बरामद की हुई है उसमें लगभग 550 ग्राम सोना और 650 ग्राम चांदी ये बरामद हुई है। अभी मूल वारदात के 3 आरोपी बाकी हैं। इसके अलावा जहां माल बेचा गया है उन दुकानदारों की भी तलाश जारी है और जो शेष माल है उसकी बरामदगी के प्रयास कर रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम मनोज कुमार, ASI, जिला स्पेशल GRP इंचार्ज।